हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जो कि आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन, हमारी सिस्टर जो है उन्होंने बनाया है और घर में ही एकदम मार्केट जैसा बना सकते हैं आप लोग, स्पंजी स्मूथ और उतनी ही टेस्ट जैसा कि आपको मार्केट में मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हाउ टू मेक अ गुलाब जामुन एट होम। मैं यहाँ पे गिफ्ट्स के गुलाब जामुन के पैकेट्स यूज़ कर रही हूँ जो रेडीमेड हैं। आप देख सकते हो ये ग्रीन पॉइंट जैसे ये प्योर वेज होता है। तो आज मैं बनाना चाहती हूँ गुलाब जामुन। आप देखिए, मैंने अभी पैकेट को वापस ओपन करके ये पूरा पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है। ये अराउंड 40 से 50 पीसेस बन जाएंगे क्योंकि अभी छुट्टियाँ हैं, घर में बच्चे हैं, फैमिलीज भी है, तो थोड़ा फैंड मतलब एक गेट टुगेदर सब हो रहा है, थोड़ा करते हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे 1 चम्मच ऑफ तेल और घी, जैसा आपको मन करे। मैं तेल यूज़ कर रही हूँ और दूध और पानी जैसा आपको, मैं दूध से बनाती हूँ। तो देखिए, ये मैंने 2 से 3 चम्मच तेल डाल दिए हैं। अभी हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से डालेंगे। फिर दूध डालने के बाद जब हम मिक्स करेंगे तो आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी जो है, हमें पतला नहीं करना है, इस तरह से बनना चाहिए ताकि हमारे गोले अच्छे से बन सके, देख रहे। उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे, ये सारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे और तब तक हम अपना चाशनी बनाएंगे, तेल रख देंगे गर्म करने के लिए। आधे घंटे बाद इसके गोले आप अच्छे से बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम बनाने जा रहे चाशनी। चाशनी के लिए हमने कढ़ाई बिठा दिया है। अब हम पानी इसमें देने वाले हैं, तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी दे रहे हैं हम इसमें। आप देख सकते हैं, अब हम इसको ढक देंगे। जैसे इस पानी में थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, बॉयल आ जाएगा, उसमें हम अपने शुगर डालेंगे। 4 से 5 इलायची की हमें ज़रूरत पड़ती है इस चाशनी के लिए, ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आए, एक अरोमा आए। हम इन इलायची को खोल करके इनके अंदर के बीजों को चीनी में डाल देंगे और फिर हम उसमें चाशनी के पानी में ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, पानी में थोड़े उबाल आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं गर्म हो चुके हैं। और ये रही हमारी चीनी विद इलायची, इसे हम अभी डाल देंगे। और इसे हम स्टर करेंगे। ये तकरीबन 1 कप के हिसाब से मैंने डाला था, बट जैसा आपको जितनी मिठास की ज़रूरत होती है आप उस हिसाब से डालिएगा। मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा कम पड़ेगा, तो मैं एक और कटोरी इसमें डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से मीठा जितना आप खाते हैं उस हिसाब से आप डालिएगा। इसे इस तरह से हम मिक्स करके फिर थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद हम इसे खोल के देखेंगे, ये चीनी अच्छी तरह से घुल मिल गया रहेगा और चाशनी हमारी रेडी होने में थोड़ा सा 10-15 मिनट लगेंगे ताकि शीरा अच्छे से बन सके। तो अभी हम इसे ढक देते हैं और 10 मिनट बाद निकाल। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस तरह से ये पानी खोल रहा है, बिल्कुल 4 से 5 मिनट हमने छोड़ा इसमें। इसमें एक बहुत अच्छी अरोमा आ चुकी है, इलायची की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये इलायची हमने इसको ओपन करके खोल के बीज के साथ ऐसे ही डाला है, छिलके के साथ, क्योंकि काफ़ी बार लोग होते हैं कि उसके बीज यूज़ करते हैं, छिलका यूज़ नहीं करते, उनको छिलके के बेनिफिट शायद पता नहीं होता या उनको पसंद नहीं होता जो भी, बट मैं छिलके के साथ डालती हूँ क्योंकि जितना खुशबू उसके बीज में होता है उतना ही खुशबू उसके छिलके में भी होता है और काफ़ी अच्छी खुशबू एक आती है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा शीरा हमारा बन गया। अब हम देखते हैं कि हमारा ये आटा किस तरह से हुआ, जिसको हमने घोल के रखा था। जनरली लोग जो है इस आटे का वो गूंथते हैं, बट मैं गूंथती नहीं हूँ, मैं फेंट लेती हूँ, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से जल्दी से बनाना हो तो ये फेंटा हुआ ज़्यादा आसान पड़ता है मुझे और बहुत अच्छे से बन भी जाता है।
तो आटा हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो गोले अच्छे से शेप में तो बन रहे हैं। अब हम इनके गोले बनाते हैं। देखिए अभी हमने छोटा सा मैंने इसका डो लिया है और मैं इसके गोले बना रही हूँ। आप देख ही सकते हैं। इसके आपके कम से कम 40 से 50 बन जाएंगे बहुत ही आराम से। आपको जितने बड़े के शेप चाहिए रहेगा, साइज़ में चाहिए रहेगा, बना सकते हो। अभी तो हमने इसको गोल में बनाया है, इसके एक और शेप में भी हम बना सकते हैं। जैसे बच्चे होते हैं उनके डिमांडिंग होते हैं कि हमें ऐसे शेप में नहीं चाहिए, वैसे शेप में नहीं चाहिए, तो उनको इस तरह के शेप भी दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपने देखे मैंने सारे गोले बना लिए, कुछ अंडा शेप में है कुछ गोलाकार में। तेल भी हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, जैसे मैंने आपसे कहा था धीमी आंच पे रख के। तो अभी हम डाल के देखते हैं कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट गोला है, काफ़ी हद तक हमारे तेल गर्म हो चुके हैं। आप देख रहे हैं मैंने इसमें सारे ही आधे डाल चुकी हूँ गोले। अब इनको गर्म होने के लिए हम छोड़ देंगे, धीमी आंच में रखेंगे, गोल्डन ब्राउन जैसे होंगे धीरे धीरे चेंज करेंगे, नहीं तो इसके अंदर कच्चापन रह जाएगा और बाहर से हो जाएंगे। देखिए काफ़ी हद तक ये गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, बट तो हमें और गोल्डन चाहिए इसमें, क्योंकि जब हम चाकू में डालेंगे तो इसके कलर चेंज हो जाते हैं, लाइट हो जाता है, तो इसे अच्छे से बनाना। सो फ्रेंड्स देखिए इसके कलर गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अभी, आप देख सकते हैं। लेकिन हमें इसे गुलाबी रंग देना है गुलाब जामुन के हिसाब से, तो हम इसे थोड़े और गहरा कलर देंगे। जैसे हम चाशनी में डालेंगे इसका कलर थोड़ा उतर जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे। हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं, अब हम चाशनी में डाल दो। देखिए कुछ गुलाब जामुन चाशनी में फूल गए हैं, अभी छोटे वाले हमने डाले हैं, अभी ये भी अच्छे से फूल जाएंगे। सो फ्रेंड्स ये रहा आपके गुलाब जामुन रेडी है, देखिए कितने डिलीशियस लग रहे, एकदम स्पंची है। मैं आपको काट के दिखाती हूँ, ये देखिए एक पीस लिए हैं, अब देख सकते हो कितना स्मूथली स्पंची बना है। सो तैयार है हमारा मार्केट जैसा गुलाब जामुन। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए और अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।